क्रिकेट में आए दिन रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम और अपने खेल में जिस तरह से प्रदर्शनों में सुधार किया है वह देखने लायक है। भारतीय टीम हर क्षेत्र में बेहतरीन कर रही है, यही कारण है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पिछले कुछ सालों में विश्व रिकॉर्ड पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से लोगों को हैरान कर दिया है। इन खिलाड़ियों ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा लगता है जैसे आने वाले दिनों में यह रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी के बूते की बात नहीं होगी। तो चलिए एक एक कर जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को हैरान परेशान कर रखा है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम एक समय बल्लेबाजी के लगभग रिकॉर्ड दर्ज थे, लेकिन समय के साथ उनके नाम के कई रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर के नाम शतकों का शतक है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह टूट पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि विराट कोहली उसके पीछे जरूर है, लेकिन अब वे कब तक खेल पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। सचिन के नाम इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में 18,426 रन दर्ज है जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, यह भी तोड़ पाना मुश्किल है। अगला नाम है रोहित शर्मा का। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को हीटमैन के नाम से जाना जाता है। रोहित शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनके नाम छक्कों के कई रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने क्रिकेट खेलने के तरीकों में बदलाव लाया है। विकेट परिस्थितियों में भी रन को कैसे छक्के और चौकों से बनाया जाता है ये आप रोहित शर्मा से सीख सकते हैं। रोहित शर्मा के नाम ओवनडे क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। रोहित शर्मा उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने 3 दोहरे शतक अपने नाम दर्ज किए हैं, खासकर ओवनडे में। इनके नाम ही ओवनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 264 रन की पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी है। कहा जा रहा है कि ओवनडे क्रिकेट में इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। वर्तमान में तो ऐसा कोई खिलाड़ी दिख नहीं रहा जो यह कारनामा कर सकता है। अगला नाम है ब्रायन लारा का। ब्रायन लारा ने क्रिकेट में बल्लेबाजी का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। लारा के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें आउट करना बड़ा मुश्किल था। एक बार अगर वो क्रीज पर अड़ गए तो आप उन्हें आसानी से आउट नहीं कर सकते। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी वैसे तो घातक गेंदबाजी और लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन लारा का स्टाइल थोड़ा अलग रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम रिकॉर्ड स्थापित किया जिसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। ब्रायन लारा के नाम साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन की पारी खेली। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन के 381 रन के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। अब कहा जा रहा है कि लारा के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। अगला नाम है साउथ अफ्रीका के घातक बल्लेबाज जिन्हें दुनिया 360 डिग्री के नाम से जानती है, एबी डिविलियर्स के बारे में। इस खब्बू बल्लेबाज ने महज 31 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। एबी ने साल 2015 में यह कारनामा किया, तब उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी और महज 44 गेंदों में 149 रन बना डाले। यह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक है जो कि एबी के नाम दर्ज हो गया। आपको क्या लगता है एबी के इस रिकॉर्ड को कौन सा बल्लेबाज तोड़ पाएगा? अगला नाम है दुनिया के महान स्पिनरों में शुमार मुथैया मुरलीधरन का। इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी के कई रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित किए हैं। इस खिलाड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि यह शीशे पर भी गेंद घुमाने की क्षमता रखता है। इस खिलाड़ी ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 1300 से भी ज़्यादा विकेट अपने नाम दर्ज किए जो कि एक महारिकॉर्ड है। इन्होंने अपनी गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा किया है। इस खिलाड़ी ने टेस्ट मुकाबलों में कुल 800 विकेट अपने नाम दर्ज किए तो वहीं वनडे मुकाबलों में 534 विकेट अपने नाम दर्ज किया है, जबकि इन्हें T20 मुकाबले भी खेलने के मौके मिले और 13 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस तरह से देखें तो मुथैया मुरलीधरन के नाम कुल 1347 विकेट दर्ज हो गए हैं। आपको क्या लगता है इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड टूट पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट करके जवाब जरूर दें। शुक्रिया।